अच्छी थी, अच्छी थी। कितने स्टार दोगे आप? हाँ, वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस। 5 एक नंबर। नाइस नाइस मूवी, वॉचेबल। ऑसम ऑसम, नाइस मूवी। अच्छा अच्छा अच्छे, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग मूवी। बहुत अच्छी, अच्छी जी है, बहुत मस्त, बहुत अच्छी। Awesome movie, अच्छी थी, good chemistry. It was fab, very different from other movies. Sorry? Awesome, like always. अच्छी लगी बस। पिक्चर देखा नहीं? Best है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, गर्ल्स को लेके कितना पॉजिटिव थिंकिंग बताया है, बहुत अच्छी, सुपर्ब। 5 out of 4.5 एकदम, बहुत एकदम। आलिया भट्ट एकदम ऑसम, और वरुण धवन का डांस एक नंबर। कोई डायलॉग? कौन सा डायलॉग? कि ये शहर झांसी है और इसे फेमस एक रानी ने बनाया था, राजा ने नहीं। ये डायलॉग बहुत पिक्चर में बहुत अच्छा डायलॉग है। लेकिन वरुण धवन टोटल गोविंदा लगता है, वो टोटल गोविंदा को ही फॉलो करता है। उसका सब काम अच्छा किया वरुण धवन ने, डांस सब अच्छा किया। और वो जो भैया की लैंग्वेज बोली है उन्होंने, कानपुर वाली या झांसी वाली, वो बहुत अच्छा पकड़ा उन्होंने। तो ओवरऑल वरुण धवन का मज़ा है, लेकिन पिक्चर में दम नहीं यार। पिक्चर इंटरवल बाद टोटल फ्लैट हो जाती है। पिक्चर इंटरवल बाद पब्लिक को समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर क्या समझाना चाहते ऑडियंस को। और वो तम्मा तम्मा गाना इतना एंड में आया, तब तक पिक्चर तो पूरी बैठ गई थी। और वो इतना आधा गाना बता दिया, और संजय दत्त का डांस, माधुरी का डांस कितना था, उसके लेवल में वरुण धवन और आलिया भट्ट 1% भी नहीं पहुँचे। तो और जो बद्रीनाथ जो टाइटल सॉन्ग है वो पिक्चर खत्म होने के बाद बताया, तो और भी दम तोड़ दिया पिक्चर ने। इंटरवल के पहले कॉमेडी सीन्स बहुत अच्छे हैं वरुण धवन के, बाकी इंटरवल के बाद पिक्चर फ्लॉप, टोटल डिजास्टर हो जाएगी। स्टोरी में दम ही नहीं है कुछ। फिर इंटरवल तक वरुण धवन ने पिक्चर संभाल लिया, लेकिन इंटरवल के बाद तो खत्म ही हो गया पिक्चर। 5वें से पिक्चर को यार 1 ही स्टार मिलेगा यार। वरुण धवन को 5वें से 3 स्टार, उसने काम अच्छा किया। गाने अच्छे हैं लेकिन सब टुकड़े टुकड़े में, मतलब एंड में बताया जो मेन गाना एंड में बताया पिक्चर खत्म होने के बाद। और एक जो टाइटल सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा है। स्टोरी वो है कि लड़का लड़की में भेदभाव होता है, जैसे गाँव में लड़का रहेगा तो दहेज ज़्यादा मिलता है, लड़की रहेगा दहेज देना पड़ता है, उसके ऊपर स्टोरी है। लेकिन अच्छी तरह से बताया ना वो लोग ने, वो डोंकी शर्मा की, अरे हम्टी शर्मा की दुल्हन आया, वो डोंकी शर्मा की दुल्हन आया, वही सब लाइन में चल रहा है पिक्चर। कुछ नया अपन दिखा नहीं रहे वो लोग। और पिक्चर बनाने से बाद लोग देखते भी नहीं रशीस के पिक्चर में क्या बना दिया, खाली थिएटर में घुसा देते। पब्लिक ऐसी की तैसी हो जाती है थिएटर के अंदर। तो ओवरऑल इट्स अ डिजास्टर बस। बोला ठीक है, अच्छी पिक्चर है, एक बार देखने लायक है। वरुण धवन जो एक्टिंग करते हैं थोड़ा उसमें चेंज कर दे तो अच्छा रहेगा। उनकी ये उनके तक पर्सनल पहुँचाइए, खुद की एक्टिंग करें। उनके एक्टिंग में 100% में 70% तो गोविंदा की एक्टिंग दिखती है, बट ठीक है। उनका और आलिया भट्ट का भी अपनी जगह काम अच्छा है। मिला जुला की पिक्चर बहुत अच्छी है, गाने ठीक हैं। वो तम्मा तम्मा जो गाना डाला है वो थोड़ा पहले डाल दिया होता, और एक गाना अच्छा है जो स्टार्ट में गाना है। वो डायलॉग, वो जो भोजपुरी में 2-4 जो इसके हैं डायलॉग वरुण धवन के, हाँ बहुत बढ़िया पिक्चर है। 3 सर। बद्रीनाथ की दुल्हनिया, आलिया भट्ट मुझे तो मेरी बच्ची लगती है। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पड़ोस में एक छोटी बच्ची है, प्रीसा नाम की बच्ची, सेम टू सेम ऐसी लगती है। उसकी हरकतें भी इसके जैसी है। आलिया भट्ट जब भी कोई भी फिल्म में आती है तो बढ़िया काम करती है, वो अपना खुद का काम करती है। जैसे चुलबुल एकदम बिंदास। अभी वरुण धवन डांसर अच्छा है, एक्टर भी अच्छा है, लेकिन लुक गोविंदा का है। डांस भी गोविंदा का करता है, एक्टिंग भी गोविंदा का करता है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। जबकि कल के इंटरव्यू में उसने खुद कहा था उसको पूरा नॉलेज है फिल्म मेकिंग कैसी होती है,
फिल्म का बजट कितना होता है, कब प्रमोशन करना चाहिए, कब फिल्म रिलीज करनी चाहिए, पूरा नॉलेज वरुण धवन को है तो गोविंदा को फॉलो क्यों करता है? जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो ऐसा लगता है गोविंदा आया, डांस भी गोविंदा का और सब कुछ गोविंदा टोटल। इस फिल्म में तीन गलतियाँ, बड़ी बड़ी तीन बड़ी गलतियाँ हैं। पहला गाना है आशिक सयाना, आशिक सयाना जब स्टार्ट होता है गाना तो टाइटल भी शुरू होता है। अब टाइटल पढ़ के उसका डांस देखे, एक बद्रीनाथ की दुल्हनिया जो इतना अच्छा डांस है, इतना अच्छा गाना है, लास्ट में डाल दिया, गाना स्टार्ट हो गया टाइटल शुरू पब्लिक वार, तो ये बड़ी गलती की उसने। और बार बार गोविंदा ऐसे एक्टिंग करते हैं, अबे पगला गया हो क्या, मतलब सेम गोविंदा। अब मारा डेविड धवन ने 15-16 फिल्म गोविंदा के साथ बनाई है, इसका मतलब थोड़ी गोविंदा को फॉलो करने का, अपने भी तो कुछ कर, इतनी अच्छी आवाज़ है, इतना अच्छा डांसर है, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन गोविंदा तो थोड़ा मज़ा नहीं आया। हालांकि पिक्चर ही बहुत छोटी है, 2 घंटा 20 मिनट की, 1-20 मिनट काटा जा सकता है, तो पिक्चर में ज़रा मज़ा आएगा। इंटरवल के बाद थोड़ी स्लो हो जाती है, बाकी ओवरऑल एवरेज 5 में से 3। जब हमने ट्रेलर देखा था बद्रीनाथ की दुल्हनिया का, तो हम लोगों को लगा कि ये एक यूजुअल रोम कॉम होगी, लेकिन उससे बहुत अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं पिक्चर में। जैसे ट्रेलर देख के तो हमें लगा था कि ये सिर्फ एक यूजुअल लव स्टोरी होगी जहाँ वरुण धवन आलिया भट्ट मिलेंगे, बिछड़ेंगे और एंड में फिर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा हटके बहुत सारी चीज़ें हैं मूवी में जो ट्रेलर में दिखाई नहीं गई। जैसे कि वरुण धवन के जो फादर हैं वो बहुत ही पेट्रियार्क हैं, वो सिर्फ मेल चाइल्ड चाहते हैं, ही डज नॉट वॉन्ट अ गर्ल चाइल्ड। तो कैसे वरुण धवन लड़ते हैं अपनी फैमिली के लिए, और फिर आलिया भट्ट से शादी करना चाहते हैं और आलिया भट्ट अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं, तो वो कैसे शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती, कैसे अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं, ये फिल्म की कहानी है। तो एंड में वरुण धवन और आलिया भट्ट मिलते हैं या नहीं, ये जानने के लिए लोग अगर फिल्म देखेंगे तो उनको फिल्म अच्छी लगेगी। वरुण धवन और आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी है। वरुण धवन और आलिया भट्ट की एक्चुअली केमिस्ट्री ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के ज़माने से जानते हैं, 5 साल की दोस्ती है दोनों की। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उनकी जो केमिस्ट्री है वो ऑफ स्क्रीन बहुत नेचुरल है, तो ऑफ स्क्रीन जब केमिस्ट्री बहुत नेचुरल हो, जो दोस्ती नेचुरल हो, तो वो पर्दे पे भी दिखती है। तो वरुण धवन ने अभी तक जितने भी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है उनमें से आलिया भट्ट के साथ ही उनकी जोड़ी सबसे अच्छी लगती है। दोनों बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं, आलिया भट्ट दिखाई है कोटा राजस्थान की, वरुण धवन दिखाई है झांसी यूपी की, और दोनों ने अपना डायलैक्ट, दोनों ने अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से पकड़ी है, दोनों का लहजा बहुत अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, दोनों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो परफॉर्मेंस वाइज उन दोनों का काम अच्छा है। और वरुण धवन के दोस्त के रोल में बने हैं उनके दोस्त साहिल वैद, उनका काम भी बहुत अच्छा है, वो हम्टी शर्मा में भी थे, इसमें भी हैं। गौहर खान का एक बहुत छोटा रोल है लेकिन उन्होंने भी अपना काम अच्छा निभाया है, तो परफॉर्मेंस वाइज ये फिल्म डिसअपॉइंट नहीं करती है। एक डायलॉग है एंड में, वरुण धवन अपने फादर को बोलते हैं कि झांसी की रानी होती है, झांसी का राजा नहीं होता। झांसी अगर आज याद रखा जाता है तो एक लड़की की वजह से याद रखा जाता है, एक लड़की की वजह से नहीं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गर्ल, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द फीमेल सेक्स। और एक और डायलॉग अच्छा है जब आलिया भट्ट बोलती हैं कि अगर मैं, वरुण धवन से बोलती है, अगर मैं तुझसे शादी करती तो मैं भी शादी के बंधन में बंध के रह जाती और आगे ज़िंदगी में कभी बढ़ नहीं पाती। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं मूवी में। और अगर गानों की बात करें तो मुझे पर्सनली तम्मा तम्मा गाना बहुत अच्छा लगा, वरुण धवन और आलिया भट्ट की एनर्जी बहुत अच्छी है। 2 गाने और हैं, हमसफ़र और नैना, ये दोनों गाने भी बहुत अच्छे हैं, और जो टाइटल सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल पिक्चर अच्छी है, और आलिया भट्ट का बर्थडे आ रहा है 15 मार्च को, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा गिफ्ट उनके फैंस को मिल सकता है उनकी बर्थडे के लिए। उनके फैंस इस फिल्म को और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत इन्जॉय करेंगे। सो ओवरऑल इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म, 3.5 स्टार्स। थैंक यू। देखिए पिक्चर तो एक हिसाब से देखने को जाए ठीक ही बना है, लेकिन क्या है कि थोड़ा जो मतलब है हीरो के हिसाब से जो मतलब है डायरेक्टर को जो फॉलो करना चाहिए वो डायरेक्टर ने उस हिसाब से फॉलो नहीं कर पाया। मतलब हीरो ने अपने अपने हिसाब से काम अच्छा किया है, मतलब जो जैसा काम करना चाहिए किरदार के हिसाब से काम उसने अच्छा किया है, कोई काम में कुछ कमी नहीं है। लेकिन ये है कि जब भी अरुण धवन सामने आ जाता है तो गोविंदा की याद आती है, तो अभी वो गोविंदा की याद आ जाती है। तो यही मैं, यही जो जैसे भाई साहब ने बताया कि अपनी एक्टिंग करो, सामने वाले की हिम्मत करो, तो मैं भी यही चाहूँगा कि अगर ये टीवी से या किधर से भी मैसेज जाता हो तो हम लोग भी चाहेंगे कि अरुण धवन अपना खुद का कुछ अलग से एक्टिंग करे। काम में कमी नहीं है उनका, काम में अच्छा है, हमको भी देखने के लिए अच्छा है, गाना भी
उनका बॉडी ओडी जो भी है अच्छा है। अगला पिक्चर भी हम लोग देखे थे, अच्छा था, सब कुछ है, काम भी अच्छा करते हैं, नाश्ते भी अच्छा है, एक्शन भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हम लोग भी चाहते कि अगला पिक्चर आए थोड़ा अपना हिसाब से कुछ करें। और इसके अंदर जो है उनका दोस्त एक है नया जो है अभी देख रहा हूँ, उसका भी काम अच्छा है, बेस्ट है, काम में कुछ कमी नहीं है। लेकिन जो जिस हिसाब से पब्लिक आना चाहिए, दर्शक आना चाहिए, उस हिसाब से पब्लिक ये पिक्चर में नहीं आएगी। क्योंकि पिक्चर जो है इंटरवल तक ठीक है, इंटरवल के बाद पिक्चर डायरेक्टर ने स्लो कर दिया है, और स्लो के हिसाब से और लास्ट में जाके एक म्यूजिक गाना भरने से फास्ट नहीं होता है पिक्चर। तो ये सब जो है, अगर आप पिक्चर देखते हो, चैरिटी शो कुछ भी रखते हो, तो पहले आप सोचो कि आपका गलती कहाँ पर, पैसा लगाए हो ये, हम लोग दर्शक हैं, हम लोग वापस परिवार के साथ वापस बैठ करके देखना चाहते हैं, तो आप उसी तरीके बनाओ कि दोबारा हमको इच्छा करे देखने के लिए। अभी इसमें इच्छा कैसे करेगा, अभी इसमें कुछ गलत लड़के लोग जो है लड़की मंडप से ही भागना चालू कर दिए, तो क्या करोगे आप? तो ऐसा नहीं, जो दर्शा है वो सही है, लड़की का ओहदा ठीक है, इसमें जो है बताया गया कि लड़की अपने करियर के लिए भागती है, वो भी चलो ठीक है, आपने दर्शा है। लेकिन पिक्चर स्लो क्यों कर दिया इंटरवल के बाद, इतना स्लो कि पब्लिक बोर होना चालू है, लास्ट में एक गाने में क्या उड़ जाएगी क्या? नहीं उठेगी। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप अगला भी कोई भी पिक्चर डायरेक्शन करो तो ज़रा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रा आप ध्यान करो कि आपने गलती कहाँ पे किया। हीरो का काम अच्छा है, हीरोनी का काम अच्छा है, उसका दोस्त है उसका भी काम अच्छा है। मेरे को उस सबसे ज़्यादा तो अच्छा लगा कि जो बीच बीच में आदमी बोर हो जाता था तो उसका दोस्त जोड़ो हंसाता था थोड़ा, मेरे ही जैसा है, थोड़ा जाड़ा सा है, अच्छा काम किया उसने भी, नाम नहीं मालूम मुझे, मैं नया नया देखा। लेकिन पिक्चर बोर नहीं है, आदमी देख सकता है एक बार, और नए नए कल्चर के हिसाब से बच्चे लोग को पसंद आएगा। 5 में से मैं इनको 4 दूंगा। ओके। बद्रीनाथ की दुल्हनियाँ देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि दिस इज वन मोर फेदर इन द कैप ऑफ वरुण धवन एंड आलिया भट्ट। ये भी मैं कह सकता हूँ कि आज वरुण धवन किसी शाहरुख खान से कम नहीं, वरुण धवन किसी शाहरुख खान से कम नहीं, आलिया भट्ट किसी काजोल से कम नहीं, बद्रीनाथ की दुल्हनियाँ किसी दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे से कम नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत अच्छा किया है परफॉर्मेंस, एंड इट इज़ ऑल थ्रू आउट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, नथिंग बट एंटरटेनमेंट। दो इमोशनल सीन्स, यू नो, टू इमोशनल सीन्स आई लव्ड ऑफ वरुण धवन। वन इज व्हेन हिज भाभी इज आस्किंग अबाउट आलिया के वैदेही कैसी है, तो उसको याद करते करते ही बिकम्स इमोशनल एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग। बहुत अच्छी सीन लगी मुझे। और फिर एक सीन में जहां वो अपने बाप को, मतलब यू नो सॉर्ट ऑफ एक, मतलब ये थोड़ा सा पिया हुआ है या कुछ भी, तो ही इज़ कन्फ्रंटिंग हिज फादर, ओके, ट्राइंग टू टेल हिम दैट यू आर यू नो लाइक क्या बोले अभी, हिटलर जैसे। वो कहते कहते, मतलब देन अगेन ही बिकम्स इमोशनल एंड गोज एंड हग्स हिज फादर। बहुत अच्छी सीन है वो भी, इमोशनल सीन्स, यू नो आई कैन से वरुण धवन इज टू गुड। जैसे यस, म्यूजिक तो ऑफकोर्स, आई मीन इन द बैकग्राउंड यू नो एक दो गाना मुझे अच्छे लगे। और कहा जा सकता है कि भाई यू नो आई मीन व्हेन दे से लाइक यू नो व्हेन वुमेन क्राई, जैसे इमोशनल सीन की मैं बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि भाई जहाँ औरतें रो पड़ती हैं ना सीन या पिक्चर देखते देखते, डिस्ट्रीब्यूटर हंसते हंसते बैंक में चला जाता है, यू नो दे लव इट। इमोशनल सीन्स ऑल्सो, येस ऑफकोर्स, करण जौहर एज अ प्रोड्यूसर वो तो है ही मास्टर इमोशनल सीन्स में, बहुत अच्छा है। हाँ, इस आई मीन एक बात का अफसोस मुझे ज़रूर है कि भाई पिक्चर आपने शुरू कर दी और उसके साथ साथ आपने टाइटल्स भी दिखाना शुरू कर दिया, तो पिक्चर देखें या फिर टाइटल्स देखें। और सबसे बड़ा यू नो लाइक दुख मुझे इस बात का होता है कि आपकी पिक्चर का मेन गाना बद्रीनाथ दुल्हनियाँ ले जाएंगे वगैरह वगैरह जो भी है, तो आपने आखिर में डालने से मतलब जहाँ यू नो लाइक देन वेट फॉर द टाइटल्स, एटलीस्ट टाइटल्स को आप रोकिए, पूरा गाना चलने दीजिए, उसके बाद आप टाइटल्स शुरू कर दीजिए। दोनों अगर आप एक साथ चलाएंगे तो पूरा थिएटर बाहर आ जाता है। आप कभी आके थिएटर में देखिए पूरी पिक्चर और देखिए कि भाई ऑडियंस अगर पूरी पिक्चर तक लास्ट में बैठा रहे ना, मैं आपकी गुलामी करूँगा।
यू नो व्हेन यू आर व्हेन अ डायरेक्टर इज मेकिंग अ पिक्चर थ्रू आउट, मैं तो कहता हूँ व्हेन यू आर मेकिंग द पिक्चर थ्रू आउट, ठीक है मैं मानता हूँ यू आर सेटिंग ऑन द डायरेक्टर सीट, ओके डायरेक्टर बींग द कैप्टन ऑफ द शिप आई कैन ऑल्सो एग्री, बट देन व्हेन यू आर सीइंग द फर्स्ट कॉपी कम एंड सिट ऑन द ऑडियंस सीट, वहाँ आके बैठिए और जज कीजिए पिक्चर को कि आपने पिक्चर कैसी बनाई है, अगर कुछ उसमें नुक्स नज़र आता है तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिए, वरना ठीक है इफ इट इज़ ओके विथ यू ओके, बट देन द फर्स्ट कॉपी यू मस्ट सी इट विथ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, उस वक्त आप डायरेक्टर ना बने। बिहारी एक्सेंट जो वरुण धवन और वो तो शुरुआत में थोड़ा सा ये दिखा दिया, बाकी तो मतलब पूरी हिंदी में पिक्चर चलती है। तो कोई डायलॉग डायलॉग्स इंस्टेड ऑफ डायलॉग या एक 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 ये डायलॉग था कि भाई जहाँ उसका दोस्त वरुण धवन का जो दोस्त बना है उसने भी बड़ा अच्छा काम किया है, और लड़ते झगड़ते वरुण धवन ने उसको उठा के समुंदर में फेंक दिया, ठीक है कहता है कि भाई मैं तुमको सारी हमें सॉरी कहते जा रहा हूँ और तुम समझते नहीं हो, ठीक है तो वो भी अभी उसको तो पानी में डुबा दिया उसने अपने दोस्त को वरुण धवन ने, तो जब उसका दोस्त बाहर निकलता है तो कहता है कि भाई मैं पानी में अंदर था तो फिर हमें सॉरी तू कैसे सुन पाता था, यू नो उसका भी सही है कितनी ऐसी अच्छा ये फिर या फिर इसका दोस्त कहता है एक जगह कि भाई यार काश, क्योंकि उसको बताया गया कि आलिया भट्ट एज एन एयर होस्टेस इज मेकिंग 1.5 लाख अ मंथ, तो कहता है भाई कोई यार मेरे को भी कोई एयर होस्टेस बना देवे, यू नो तो वरुण धवन कहता है कि भाई तेरे को स्कर्ट में लोग नहीं देखना पसंद करेंगे, मतलब यू नो ऑल दीज पंचेज जो हैं तो पब्लिक को अच्छी लग रही थी। मैं तो बैठ के स्टॉल में बैठ के मैं गेटी गैलेक्सी के स्टॉल में बैठ के मैं पिक्चर जज कर रहा था। अच्छा फिर एक हाईलाइट ऑफ द पिक्चर यू कैन से जहाँ पर क्या बोलते हैं वो जो आदमी लोग आगे आदमी को रेप करते हैं या कि क्या 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 उसको जिगोलो क्या बोलते हैं उसको वट एवर यू नो, मतलब वरुण धवन को कुछ 5-6 दे आर मेल्स यू नो हाँ क्या बोलते हैं उसको वो जो आदमी को जो ये करते हैं अपना गे हाँ 5 या 6 गेज दिखाए गए हैं इस पिक्चर में जो वरुण धवन के मतलब यू नो आशिक हो गए, तो उस वरुण धवन के होठों को हाथ लगाते हाथ फेरते फेरते कहते हैं क्या नाजुक होठ हैं क्या ये है वो है करके, जो उसके कपड़े वपड़े फाड़ गए यू नो लाइक रेप जैसे बोलते हैं ना, क्या कपड़े बेचारे के फाड़े गए और वो ऐसे अपने आप को कवर कर रहा है जैसे किसी कोई लड़की आफ्टर द रेप यू नो शील कवर हर सेल्फ, तो फिर उसको दिखाया उसको दे दिया गया कपड़ा कि भाई यू कवर योर सेल्फ यू नो वेरी नाइस द क्या बोले अभी टपोरी या ये जो मासेस हैं तो दे लव दिस सीन यू नो ओवरऑल येस मैं कह सकता हूँ कि भाई स्टार्स पॉइंट ऑफ व्यू येस 5 में से मैं 4 दे सकता हूँ, एंड दिस थिंग वंस अगेन आई रिपीट कि आज वरुण धवन किसी शाहरुख खान से कम नहीं, आलिया भट्ट किसी काजोल से कम नहीं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया किसी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से कम नहीं, ये मेरा दावा है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया तुसी ग्रेट हो।